अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, व्लॉग काफ़ी दिनों से लेट हो चुका है और मुझे अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, ना मुझे कोई स्पेस मिल पा रही है, क्योंकि माशाल्लाह से घर में आए हुए हैं गेस्ट और आपको पता है ये विंटर वेकेशन चल रहे हैं अभी, और व्लॉग जो है थोड़ा पुराना है, लेकिन क्योंकि मुझे टाइम इतना लग गया ऊपर और गेस्ट वगैरह घर पर आए हुए हैं, तो बस सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है और पता नहीं चलता कि टाइम कैसे गुजर जाता है। अभी बस मैं फिर उस्मान को उसके पापा के पास बिठा के आई हूँ और फिर मैंने फ़ौरन जाके सोचा कि मैं ना नीचे आ जाती हूँ और सेपरेट वहाँ पे मतलब जगह है, वो पोर्शन है और इधर कोई भी नहीं है अभी, तो जल्दी से ना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैंने दराज से नहीं सॉरी, मैंने ये इंस्टाग्राम पर भेजा है, मैं वो उसका जो लिंक है या जो उसका नेम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो ये मैंने उस्मान के लिए ना दो टॉयज़ मंगवाए हुए थे और ये मुझे रिसीव हुए 3-4 दिन के बाद, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए थे। आई थिंक कोई स्कूल मॉल पेज था इंस्टाग्राम पे और उस्मान देख के इनको इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था ना। हाँ मेरा बच्चा, दिस इज फॉर यू, से थैंक यू। ये भी आपके लिए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये देखो इधर आता है, ये देखो, फाइव। तो इनमें एक ये वुडन पैनल था और साथ में ये वुडन पज़ल है, और ये जो वुडन पज़ल है ना, ये तो मतलब मेरे घर में जो बाद में गेस्ट आए हैं इनके बड़े बच्चे हैं, और मैं जब घर भी लेके गई थी उस्मान को, तो मतलब जो मेरे घर में मतलब जो बड़े लोग भी हैं ना, वो भी इसको बड़ा जो है ना पज़ल को सॉल्व कर रहे होते हैं बार बार। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्ट में, लेकिन फिर ये कि हो जाता है। तो लेकिन उस्मान ने ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कलर्स भी सीख लिए हैं और इनको ज्वाइन करता रहता है तो लगा रहता है बस एक जगह पर, और क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे। मैं इस पेज का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, अगर आप लोगों ने मतलब टॉटलर्स अगर आपके बच्चे हैं ना, अगर 2 साल के हैं या 2 साल से ऊपर के हैं या 1.5 साल से ऊपर के हैं, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छी एक चीज़ है, तो आप लोग मंगवा सकते हो। मैं पेज जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो साथ ही मुझे एक और पार्सल रिसीव हुआ था अभी, ये भी मैंने इंस्टाग्राम पर जो पेज है मतलब बोनेंजा का, जो आपको पता ही है, वहाँ से ही ऑर्डर किया था, और बोनेंजा का ये सूट था और ये कोई 3-पीस सूट था खद्दर का, और साथ में ये वूल शॉल थी, तो ब्लैक एंड ब्राउन इसका कलर था, साथ में कुछ प्रिंट था जिसमें ऑरेंज और इस तरह के कलर्स हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगा था। और इस तरह से ना मैंने ये 1-2 सूट और भी उस टाइम पे ऑर्डर किए थे, जो कि मेरे पास सिल के भी आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा व्लॉग भी शेयर करूँगी आपके साथ, आई थिंक 1 वीक के अंदर अंदर, ताकि जो है ना जो भी इनकी स्टिचिंग है और जो डिज़ाइन है वो आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ये व्लॉग को जो है ना फिर वॉच करना, और उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लग रही हो, और साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और तो अभी यहाँ पे ना अभी ये शाम का टाइम था और मुझे ना आज बनाना था पिज़्ज़ा। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं बनाऊँगी, और मेरे पास ना यीस्ट वगैरह मतलब सब चीज़ें जो थी वो घर में रखी हुई थी, तो बस एक चीज़ थी चीज़ जो कि नहीं थी आ रही मेरे घर में काफ़ी दिनों से, तो बस मैंने वो हस्बैंड से मंगवा ली थी और सोचा कि चलो आज ना ये बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने, अच्छा मैंने आप लोगों के साथ ना जो थंबनेल शेयर किया है उधर आपको लिखा होगा चिकन टिक्का फ्लेवर में जो ये ना पिज़्ज़ा है, तो आप लोग भी ना जब ये बनाया था ना, तो थोड़ी सी मुझे ना मिर्चें इसमें कम लग रही थी, मैंने घर के स्पाइसेस इसमें ऐड किए थे चिकन में, लेकिन ना ऑफ़ कैमरा ना मैंने इसके अंदर बाद में थोड़ा सा चिकन टिक्का जो मसाला होता है ना नेशनल का या फिर आप शान का ले लो, तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो मुझे तो मिर्चें कम लगी थी तो इसलिए मैंने वो डाल दिया, वरना शायद मैं ना डालती, लेकिन डालने से फ्लेवर बहुत इन्हांस हो गया। तो आप लोग अगर सिर्फ चिकन टिक्का फ्लेवर ही डालो ना तो बहुत अच्छा बन जाएगा।
तो बस अभी मैंने यहाँ पे चिकन के छोटे क्यूब्स बना लिए थे और उसमें ऑयल को उसमें चिकन को फ्राई कर लिया, साथ ही उसमें लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला था, नमक, काले मिर्च, ऑरिगेनो, इसके अलावा थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और बिल्कुल ज़रा सी एक दो चुटकी अजवाइन के, और बस इसको मैंने मिक्स किया और बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के कोई दो तीन घूंट के बराबर, और बस यहाँ पे देखें अच्छे से जो है ना पक गया। अभी मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे चेक करवा रही थी कि ये गले कि नहीं, और साथ में थोड़ा सा टेस्ट भी चेक कर रही थी, तो बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया था। मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पे फिर कुक कर लिया था मजीद और ताकि एक प्यारा सा ना ये देखें इसके ऊपर एक कलर आ जाता है। तो इस तरह से ना ये जब टॉपिंग होती है ना पिज्जे के ऊपर तो वो चिकन जो नज़र आता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। तो थोड़ा सा कलर लाने के लिए आप थोड़ा सा उसको ऐसे ऑयल में हल्का सा और फ्राई कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना मैं नीचे वाले पोर्शन में आई हुई हूँ तो मुझे बाहर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है ना, तो हालांकि हम ऊपर होते हैं ना तो ऊपर इतनी ज़्यादा आवाज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जब नीचे आओ ना तो बाहर से जो भी मतलब गली में या आसपास के घरों से जो आवाज़ें होती हैं ना वो बहुत क्लियर आ रही होती हैं। खैर तो फिर अभी यहाँ पर मैंने ना उसी पैन में से जो ऑयल था वो सेपरेट कर लिया था, लेकिन जो हल्का हल्का उसका मसाला था ना चिकन मैंने सेपरेट कर लिया था, हल्का हल्का सा मसाला उस पर लगा हुआ था, तो मैंने उसी में ही सॉस डाल के उसको रेडी कर लूँगी ताकि और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है आपको पैन की। तो मैंने मेरे पास ना यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस रखी हुई थी, मैंने थोड़ी सी वो डाली है, इसके अलावा थोड़ा सा विनेगर, बहुत ज़्यादा ये सॉसेज आपने ऐड नहीं करने हैं, 1 टेबल स्पून इनफ होंगे एक पिज़्ज़ा के लिए, मतलब 1 लार्ज जो साइज़ का होता है ना पिज़्ज़ा उसके लिए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये चिली फ्लेक्स और साथ में चिली गार्लिक केचप, अगर आपके पास नॉर्मल जो घर में केचप होता है वो भी डाल सकते हो, मेरे पास चिली गार्लिक केचप था तो मैंने वो डाल दिया। अगर थोड़ा सा स्पाइसी आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो तो इस सॉस में ना आप थोड़ा सा स्पाइसी ज़्यादा कर लो, ब्लैक पेपर भी ऐड कर लो या वाइट पेपर ऐड कर लो, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था स्पाइसी है तो मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च और डाल दी थी। और अभी ना मेरा सही वाला गला ख़राब हुआ हुआ है और मैंने अभी जो है आज सुबह ही दवाई ली है, तो अल्लाह करे बस जल्दी से ठीक हो जाए। अभी मैं बड़ी मुश्किल से वॉइस ओवर कर रही हूँ बार बार कट करके, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है, तो पता नहीं घर में बल्कि 3-4 लोगों का ऐसा हुआ हुआ है, तो वायरल है आजकल पता नहीं मौसम की वजह से, तो जब एक को होता है ना तो साथ में 2-3 लोगों को मतलब लाजमी हो जाता है। तो बस खैर दवाई लेते रहें, अपना ख्याल रखें सब तक इस मौसम से, जो भी है मौसम तो ये बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसमें जो है ना ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है तबीयत का। तो अभी बस यहाँ पे जी जल्दी से जो उसका सॉस था वो मैंने रेडी कर लिया था, उसमें भी मैंने लास्ट में ना थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला था, बड़ा अच्छा उससे ना खुशबू और एक फ्लेवर आ जाता है। अभी यहाँ पे ना मैंने डो रेडी कर ली थी, अच्छा डो ना मैंने दोपहर में रेडी कर ली थी और उसको बस गूंद के रख दिया था। इसमें मैंने डाला था मेरे पास ना 2 कप मैदा था और साथ में 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल के डाले थे, चीनी आपने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करनी है, और इसके अलावा जो नमक है वो आप इसमें 1/2 टीस्पून ऐड कर देना, और यीस्ट का ना मैंने जो एक पैकेट नहीं होता छोटा सैशे जो होता है तो वो मैंने उसमें भी बल्कि ना थोड़ा सा 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही होता है, तो मैंने फिर भी ना वो पूरा पैकेट ही डाल दिया था, मतलब 1 टेबल स्पून से कोई होगा 1/4 टीस्पून ज़्यादा होगा, तो मैंने वो सारा डाल दिया था। तो खैर ये बड़ा अच्छा राइस कर गया था, अच्छे से आपने उसको नीम गर्म पानी से गूंदना है और उसको, क्योंकि अभी आजकल ठंडा मौसम है तो आप बेशक जो आपकी आटे की बाल्टी होती है ना उसके ऊपर भी रख दो, वहाँ बड़ी अच्छी हीट मिल जाती है, नहीं तो जो आपके घर में माइक्रोवेव ओवन होते हैं वहाँ रख दें, मैंने भी वहीं रखा था। तो देखें अच्छे से राइस हो गया, अभी इसको मैंने थोड़ा सा और नीट किया और बस ये डो जो है हमारी रेडी हो गई है बड़ी स्मूथ सी, और ये मेरे पास पिज्ज़ा ट्रे थी और ये थोड़ी सी ना लार्ज साइज़ की है तो एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है, जो मैंने आपको सारे जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। अभी यहाँ पे सब चीज़ें रेडी हो गई थी, मैंने साथ में थोड़ी सी प्याज टमाटर जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए थे और बाकी जो चीज़ है वो ग्रेट कर ली थी, और साथ में इस पिज़्ज़े की डो को मैंने जो है ना उस पैन को ग्रीस करके, तो ऑयल से आप चाहे बटर से कर लो चाहे घी से कर लो कोई मसला नहीं है, तो बस आपने ग्रीस करना है और उसके बाद मैंने डो सारी स्प्रेड कर दी है, और ये करना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए मैंने ऑफ कैमरा की, पहले तो मैं सोच रही थी सामने जो है ना कैमरा के कर देती हूँ लेकिन इतना मुश्किल से हो रहा था क्योंकि ये जाहिर सी बात है वाइट फ्लावर होता है तो ये बहुत मुश्किल से बेला भी जाता है, लेकिन खैर फिर इसको मैंने फैला दिया था और बस सारे में मैंने सॉस लगा दिया, सॉस में किनारों पर भी थोड़ा लगा देती हूँ क्योंकि उससे ना जो साइड्स होती है ना वो भी खाई जाती है, वरना पिज़्ज़ा की जो साइड्स होती है ना ये जो एजेस है इसके किनारे वो रह जाते हैं वो वेस्ट ही हो जाते हैं, लेकिन सॉस लगाने से थोड़ा सा उसमें टेस्ट आ जाता है। तो फिर इसमें मैंने चीज़ जो है वो सारी डाल दी थी और ना चीज़ मैंने थोड़ी सी बचा ली थी ऊपर से डालने के लिए, बाकी सारी तकरीबन मैंने इस टाइम पे डाल चुकी थी मैं, और उसके बाद प्याज और टमाटर के छोटे छोटे क्यूब्स मैंने डाल दिए, साथ में अब जो चिकन है वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी,
और इसके अलावा ऑलिव्स और मशरूम वगैरह अगर आपके पास हों वो भी डाल सकते हो, कॉर्न भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास इसमें से किसी भी चीज़ का कोई कैन वगैरह मैंने नहीं था मंगवाया हुआ, तो बस जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उसे मैंने पिज्ज़ा रेडी कर लिया। सिर्फ मेरे पास चीज़ नहीं थी वो मैंने मंगवा ली थी। और अभी यहाँ पे देखें, सब चीज़ें डालने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ी सी और चीज़ जो है ना अपग्रेड करके डाल दी है, तो ताकि ऊपर से भी चीज़ मेल्ट हुई नज़र आएगी ना, वो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने ऑरिगैनो इस पर स्प्रिंकल कर दिया और बस इसको मैं कुक करूँगी, इस बेक करूँगी देखते हैं मैं, क्योंकि मेरे पास तो कोई ओवन वगैरह नहीं है, तो मैं इसमें बनाती हूँ। कोई भी चीज़ इस तरह की बेक करती हूँ तो बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। देख चुके मैंने पहले प्री हीट कर लिया था 5 मिनट्स तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे। उसके बाद इसको मैंने एहतियात से रखा और तकरीबन 35 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो इसमें कुक ही होती हैं ऑलरेडी, सिर्फ इसकी जो डो होती है, डो जो होती है ना उसने बस पकना होता है। तो 30 to 35 मिनट्स के बाद ना आप इसको चेक कर लेना, टूथपिक से चेक करना, डो को चेक करना, अगर वो बिल्कुल कुक होगी ना आपको खुद ही फील होगा कि वो हल्का सा राइज हुआ होगा और सॉफ्ट सी डो जो है ना बहुत अच्छी सी रेडी हो जाती है। और गर्मा गर्म इसको ज़रूर सर्व करना और खाना, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा लेट कर दिया था वैसे तो ना, दोबारा फिर गर्म करके इसको खाया था। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी, जो गर्मा गर्म का जो इसका टेस्ट होता है ना, वो बाद में जितना मर्जी आप इसको गर्म करके खा लो ना, वो फ्लेवर नहीं आता। तो बाद में हस्बैंड ने सूप वगैरह मंगवा लिया था, तो उसी के साथ ही हमने इसको एंजॉय किया था। तो बस आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।